दोस्तों आज के टाइम में जो टेलीग्राम यूजर्स हैं ना, खासकर फीमेल्स, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास आते हैं अननोन पर्सन के मैसेज। अब वो मैसेज जो आते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान करते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो मैसेज ना, या फिर आप उन मैसेज को स्टॉप कर दें, या फिर जो अननोन पर्सन आपको मैसेज ना कर पाए ना, तो आज की वीडियो में आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूँ। कुछ इंस्टाग्राम की ट्रिक्स हैं। एक्चुअली मैंने पहले वीडियो क्रिएट किए इन ट्रिक्स के ऊपर और मैंने बताया कि आपको कैसे करना है, लेकिन आज की वीडियो में ट्रिक्स कुछ पहले वाली हैं और कुछ नई ट्रिक्स हैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो कि इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली ये ट्रिक्स ना बोल के आप बोलो तो इन्हें सेटिंग, एक तरीके से अगर आप लोग को नहीं पता इंस्टाग्राम की सेटिंग्स के बारे में, तो इन सेटिंग्स को अगर आप कर लोगे ना, तो आपके पास नहीं आएंगे किसी भी अननोन पर्सन के मैसेज। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप ये सारी सेटिंग्स देखना चाहते हैं तो वीडियो को तो स्किप बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में बोलोगे भाई नहीं हो पा रहा। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक पूरी देख लेना। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। आपके सामने स्क्रीन पे एप्लीकेशन है टेलीग्राम की, आप लोग उसको सबसे पहले जाकर प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना। अब मैं हर वीडियो में जो एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, ये इसलिए बोलता हूँ कि अपडेट कर लेना, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपने अपडेट ना किया हो और आपके शायद इसमें कुछ नया फीचर ना हो, कुछ अलग इंटरफेस मेरे का अलग हो और आपके ऐप का अलग, आप सोचो कि भाई अलग अलग क्यों आ रहा है, तो इसलिए अपडेट कर लेना अगर अपडेट नहीं है तो। वैसे आपको सभी ऐप अपडेट रखने चाहिए, ठीक है। तो चलिए टेलीग्राम को ओपन कर लेता हूँ मैं। ओपन करने का सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना थ्री डॉट्स में और माफ कीजिएगा थ्री लाइनिंग पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे जाना नीचे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में। जैसे सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपसे नीचे एक ऑप्शन आता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, आपको इसमें जाना है। अब जैसे इसमें जाएंगे यहाँ पे सारी सेटिंग्स हैं, यहाँ पे सारा खेल है। सबसे पहले ऊपर आपको ब्लॉक्ड यूजर दिखाएगा जिन्हें आपने ब्लॉक किया, तो इनको आप छोड़ दीजिए। उसका था फोन नंबर, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ फोन नंबर पर, तो हु कैन सी माई फोन नंबर, तीन ऑप्शन है, एवरीबडी, माई कॉन्टैक्ट, नोबडी। तो आप चाहते हैं सबको दिखे आपका नंबर तो आप एवरीबडी कर सकते हैं, माई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें किसी को भी ना दिखे तो आपको नोबडी करना है। तो आज जिस टॉपिक में रिव्यू है तो आपको नोबडी ही करना चाहिए। हु कैन फाइंड मी बाय नंबर, मैंने इसमें माई कॉन्टैक्ट, दो ऑप्शन है, एवरीवन, माई कॉन्टैक्ट, तो अब इसको माई कॉन्टैक्ट ही रहने दें, ठीक है। एवरीबडी करेंगे तो भाई सबको मिल जाएगा, माई कॉन्टैक्ट करेंगे तो सिर्फ उन्हीं को आपका अकाउंट दिखेगा जिनके पास आपका नंबर है, ठीक है, और आपके पास जिनका नंबर है, समझ रहे हो। तो ये है सीन, और नीचे लास्ट सीन है ऑनलाइन है, तो ये आपकी प्राइवेसी है भाई, लास्ट सीन आपका मन है, आप दिखाना चाहते हैं नहीं, मैंने तो नोबडी किया हुआ है, आपकी मर्जी है, तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। प्रोफाइल फोटोज एंड वीडियोज, तो ये मैंने माइंड कॉन्टैक्ट किया हुआ है, एवरीबडी नहीं किया, जो मेरा प्रोफाइल फोटो है उन्हीं को दिखेगा जिनके पास मेरा नंबर है, मेरे पास जिनके नंबर है, ठीक है, बाकी किसी को नहीं दिखने वाला। तो ये सारी सेटिंग्स आपको कर लेनी है। फॉरवर्डेड मैसेज मैंने नोबडी पे किया हुआ है, कॉल्स मैंने नोबडी की हुई है, कोई मुझे कॉल्स नहीं कर सकता। आप चाहते हैं कि कोई कॉल करे तो आप माई कॉन्टैक्ट या एवरीबडी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ग्रुप्स एंड चैनल जो ऑप्शन है, तो हु कैन ऐड बी ग्रुप चैट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी माई कॉन्टैक्ट, तो मैंने माई कॉन्टैक्ट्स किया हुआ, अगर आप एवरीबडी कर दोगे तो कोई भी बंदा आपको कहीं भी किसी भी ग्रुप में घुसेड़ देगा ऐसे बिना पूछे आपसे, तो इसको रहने दें, माई कॉन्टैक्ट कर दें, सिर्फ आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वही आपको ऐड कर सकते हैं किसी भी ग्रुप में। तो ये सबसे अच्छी सेटिंग्स आपको कर लें, है ना। और नीचे तो पासलॉक वगैरह, टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह है, कुछ इतना खास नहीं है इसमें। तो ये तो सारी सेटिंग्स हैं जो आपको अपने करके रखनी है स्मार्टफोन में, मैंने ओवरव्यू दे दिया इन सेटिंग्स का, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई हुई है। अब यहाँ पे दोस्तों आप दोबारा से अगर थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिखता है जो कि है पीपल नियर बाय, इसमें आपको जाना है। तो अगर आपने गलती से वाला फीचर ऑन कर दिया ना भाई, तो आपको कोई भी मैसेज कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, पीपल नियर बाय क्या फीचर है, ये फीचर ऐसे काम करता है कि अगर मान लीजिए आपने अपना पीपल नियर बाय में जाके मेक माई सेल्फ विजिबल आपने कर दिया, तो आपके आसपास के लोग जितने भी हैं कुछ किलोमीटर तक के, वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं और आपको मैसेज भी कर सकते हैं, चाहे वो आपको जानते हैं नहीं जानते। आप देख लीजिए मेरे आसपास में जितने सारे लोग हैं, इनमें नीचे लिखा हुआ है 500 मीटर अवे, 500 मीटर अवे, जो मुझसे जितनी दूरी पे है वो सिर्फ लिखा हुआ है, और ये सब मुझे विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। इनमें कुछ लड़कियाँ भी हैं, कुछ लड़के भी हैं, मैक्सिमम से लड़कियाँ इस चीज़ को नहीं करती हैं, गलती से जाता तो हो जाता है, लेकिन जानबूझ के तो मैक्सिमम लड़कियाँ नहीं करती हैं, फीमेल्स के लोग फिर परेशान करते हैं। बाकी आपको मेल तो इसमें काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ज़्यादातर मैक्सिमम मेल ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे विजिबल हैं, और कुछ एक किलोमीटर पे हैं, कुछ दो किलोमीटर पे हैं, तो इन किलोमीटर्स के एरिया में आपको जो भी लोग हैं ना आसपास के, जिन्होंने अपनी सेटिंग ऑन किया हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, उनसे आप मैसेज करके बात कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और नियर बाय के ग्रुप्स भी दिखते हैं, कमाल की बात, ठीक है। ये तो सारे हो गए 3 किलोमीटर तक के भाई मेरे आसपास के लोग जो हैं, अगर किसी ने ग्रुप्स भी अपने विजिबल किए हुए हैं तो उनके ग्रुप्स भी मुझे दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए किसी ने 55 मेंबर है, किसी ने 500 मेंबर है ना, तो ऐसे ग्रुप्स हैं, आप चाहे ज्वाइन भी कर सकते हैं इनको। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको अपने आपको विजिबल नहीं करना, ये बात याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखा दूँ ऊपर, मेक माई सेल्फ विजिबल, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर नियर बाय विल बी एबल टू व्यू योर प्रोफाइल एंड सेंड यू मैसेज, दिस में हेल्प यू फाइंड न्यू फ्रेंड्स बट कुड आल्सो अट्रैक्ट एक्सेसिव अटेंशन, यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर प्रोफाइल एट एनी टाइम, योर फोन नंबर विल बी रिमेन हिडन, ओके, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर प्रोफाइल पिक्चर विजिबल एवरीवन सो दैट पीपल कैन सी यू, ओके। तो इसका मतलब ये है कि ये मैंने ऑन कर दिया, तो जब ये ऑन हो जाएगा ना, तो सिंपली होगा क्या कि आपको कोई भी ढूंढ सकता है। अब ये कह रहा है कि भाई आपको देखिए
प्लीज मेक श्योर योर प्रोफाइल पिक्चर विजिबल टू एवरीवन, यानी कि आप पहले श्योर कर लें कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर सभी को दिख रही है। तो प्रोफाइल पिक्चर दिखाने के लिए भाई मैंने अभी प्रोफाइल पिक्चर अपनी सेटिंग में, मैंने आपको दिखाया था ना, मैं सेटिंग में गया था और मैंने प्राइवेसी सिक्योरिटी में जो प्रोफाइल पिक्चर है वो मैंने माई कॉन्टैक्ट की। अगर मैं इसको एवरीबडी करूँगा तब जाके जो मेरी सेटिंग वाली ऑन हो जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं जाता हूँ अब इसके बाद में बैक करके पीपल नियर बाय में और मेक माई सेल्फ विजिबल करता हूँ, इसको ओके करता हूँ, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब यहाँ पे लिखा चुका है स्टॉप शोविंग मी। अब मैं स्टॉप शोविंग मी कर दूंगा तो मैं किसी को दिखूंगा नहीं पीपल नियर बाय में। अब ये ऑन है अगर, तो मैं अब सभी को दिख रहा हूँ और कोई मुझे मैसेज कर सकता है। तो याद रखना, अगर आप एक फीमेल या मेल भी हैं, आप नहीं चाहते कोई अननोन पर्सन आपको मैसेज करे, तो ये चीज़ आपकी ऑफ होनी चाहिए जिसका नाम है स्टॉप शोविंग मी। अगर ये चीज़ ऑन है ना तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा आएगा, आपको स्टॉप शोविंग मी पे क्लिक करना है, दैट्स ऑल, आपका काम हो जाएगा। तो इतना आपको करना है। वापस चल के अपनी जो सेटिंग है भाई, अपनी जो है ना प्रोफाइल पिक्चर, वो मैं हिडन ही कर लेता हूँ क्योंकि मुझे नहीं दिखानी सब लोगों को, मैं माई कॉन्टैक्ट करता हूँ और ओके, ठीक है, दैट्स ऑल, आपको इतना काम करना है। और हाँ, एक चीज़ और करनी है कि आप याद रखें कि भाई फालतू ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन ना हो जो आपके काम के नहीं है। अगर आपका काम हो गया उनमें से तो निकल जाइए, फालतू चैनल ज्वाइन मत कीजिए, किसी को अपना यूजर नेम वगैरह शेयर मत कीजिए, ठीक है, जो ये यूजर नेम होता है तो वो चीज़ शेयर मत कीजिए। तो फालतू काम मत कीजिए, फालतू की कुछ भी, और बस आप बची रहेंगे इन सारी चीज़ों से। तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में। गाइस आई होप आप लोगों को सभी सेटिंग्स अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक पूरी देख ली है तो डेफिनेटली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है ना तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आपको ट्रिक्स अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना अपने भाई को कि भाई हाँ ट्रिक आपको कैसी लगी। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और लाइक सिर्फ ऐसे नहीं बोलता मैं, लाइक करके जाना यार वीडियो पसंद आई तो, और अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो, टेंशन वाली बात कोई नहीं है। और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलूंगा आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।